हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बताने जा रहे हैं आपको ड्राई फ्रूट यानी मेवे के लड्डुओं की जो देसी रेसिपी है, किस तरह से देसी तरीके से बनाए जाते हैं वो तरीका बताएंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी मगर बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आपके सेहत के लिए बेहतरीन लड्डू बन के तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए चाहिए होगा आपको छुहारा, जो कि लगभग 1 किलो लिया है मैंने, और इनके जो बीज हैं उसको फोड़ करके आपको निकाल लेना है, और जो बचा हुआ भाग है उसे जो ईमान जस्ता है लोहे का उसमें कूट लेना है। छुहारा जो आपको इस तरह से दरदरा कूट लेना है। और बात करें इसकी फ़ायदे की, तो ये जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है कमर दर्द में, और बार बार जैसे आपको टॉयलेट आ रही है, दांत में कमजोरी महसूस हो रही है, कब्ज हो रही है, खांसी हो रही है, छींक आ रही है, तो ये उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और छुहारे की तासीर जो गर्म होती है इसलिए सर्दियों में फ़ायदेमंद ज़्यादा है। ईमान जस्ता लेना है, उसमें आपको मखाने हैं जो कूट लेने हैं, इसके अलावा लेना है आपको बादाम, अखरोट, पिस्ता, जिसका जो ऊपर का छिलका है उसे निकाल लेना है और फिर उसे कूट लेना है। पिस्ता जो है वो सॉल्टेड और अनसॉल्टेड दोनों तरह का आता है। बात करें मखाने की, तो मखाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पाए जाते हैं, और वसा यानी फैट बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी 0.1% में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं इसे लावा भी कई जगह कहा जाता है, और इसकी पैदावार जो होती है वो तालाब और झील में होती है, और सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है। ये देखिए, इस तरह से मखाना जो है कूट गए हैं, एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं है, मगर ये है कि काफ़ी दरदरे टाइप के हैं, आपके कूटने से कूट जाएंगे अच्छे से। ईमान जस्ते में कूटिएगा तो इस तरह से हो जाएगा आपका। पिस्ता की बात करें तो वो 8 से 10 लगभग लिए हैं, बादाम आधा किलो, अखरोट आधा किलो, मखाने 250 ग्राम, काजू 8 से 10 लगभग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। इसको ईमान जस्ते में आपको जो है वो दरदरा कूट लेना है अच्छे से। फ़ायदे की बात करें तो जो हमारा जो पिस्ता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, और एक सर्वे के अनुसार पिस्ता जो है शरीर में कार्बोहाइड्रेट के लेवल को घटा करके ब्लड में जो है शुगर, जो शुगर होती है उसके स्तर को घटा देता है। बादाम की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, एनर्जी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, मगर ज़्यादा मत खाइए वरना आपकी फैट भी बढ़ सकती है। इस तरह से आपको जो सारे ड्राई फ्रूट जो हैं उनको दरदरा कूट लेना है। बात करें अखरोट के फ़ायदे की, तो इसमें जो है एक मुट्ठी अखरोट में जो है 784 कैलोरी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो पाया जाता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, B6, कैल्शियम, मिनरल काफ़ी भरपूर मात्रा में पाए। आपको खाने वाले गोंद को ले लेना है, उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके इसे भून लेना है। वो थोड़ी देर में ये फूल जाएगा, और जब फूल जाए तो उसे निकाल लीजिएगा और ईमान जस्ते में लेकर के इसे कूट लीजिएगा। बात करें गोंद के फ़ायदे की, तो ये दिल के रोग में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये सर्दी, खांसी, जुकाम में, मांसपेशियों को मजबूती देने में काफ़ी फ़ायदेमंद है, पेट के इन्फेक्शन में, थकान में, माइग्रेन में भी बहुत फ़ायदे करता है ये। गोंद जो है वो कूट करके कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा, तो इस फॉर्म तक आपको कूट लेना है। अंगूर यानी किशमिश का सूखा हुआ रूप, इसमें 75% लगभग जो है शुगर पाई जाती है, 3% प्रोटीन और 3.5% जो है वो फाइबर पाई जाती है। ये माना जाता है कि काजू सबसे पहले जो है वो ब्राज़ील में हुआ। इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, ऐसे बहुत से तत्व पाए जाते हैं, और ये स्किन के लिए और थकान दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि लड्डू बनाने से पहले जो भी ड्राई फ्रूट ले रहे हैं उन्हें अच्छे से एक दिन धूप में दिखा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू करिएगा। चलिए हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए चाहिए होगा आपको 1 गिलास पानी और आधा गिलास शुगर यानी चीनी। तो ये क्वांटिटी आप किसी से भी नाप सकती हैं, कटोरी से भी नाप सकती हैं, किसी से भी नाप सकती हैं, पर याद रखिएगा जितनी भी चीनी ले रहे हैं उसका डबल जो है वो आपको पानी लेना होगा। और चाशनी जो है वो एक तार की बनानी होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी एक तार कैसे देखते हैं। तो चलिए चढ़ा देते हैं पानी और चीनी ताकि हमारी चाशनी बन सके। और गाढ़ी, ज़्यादा गाढ़ी मत करिएगा और ज़्यादा पतली भी मत करिएगा,
एक तार की बनानी है, ये याद रखिएगा। चाशनी गाढ़ी होने के बाद इस तरह से चमचे में लेकर के आपको देख लेना है कि एक तार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक तार आ जाए तो यानी हमारी चाशनी बन गई है। गैस बंद कर दीजिए और जो चाशनी है उसे ले करके आप जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसे एक जगह मिक्स कर दीजिएगा और चाशनी बीच बीच में डालते जाइएगा और ड्राई फ्रूट जो है वो जो उसका मिक्सचर है उसे बीच बीच में घुमाते जाइएगा। आप चाहे तो इसके लिए किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं, चाहे तो अकेले भी कर सकते हैं। तो ये तब तक आपको करना है जब तक आपको ये नहीं लगने लगे कि वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हाथ में पकड़िएगा और अगर मुट्ठी बंधने लगे उसमें यानी वो बंधने लगे तो समझ लीजिए कि चाशनी अब आपको आगे नहीं डालनी है। तो तब तक आपको ये चाशनी डालते रहनी है, उसके बाद ही आपको लड्डू बनाने हैं। चाशनी जितनी पर्याप्त मात्रा में डालनी थी उतनी डाल दी है और अगर आपको लगता है चाशनी बच रही है तो छोड़ दीजिए उसे, उसकी चिंता मत करिए, उसका यूज़ कहीं और भी आप कर सकते हो। ये याद रखिए कि जो लड्डू बना रहे हैं उसको थोड़ा सा मिक्सचर को रगड़ लीजिए, उसके बाद तीन उंगलियां दोनों हाथ की ले करके उस पर प्रेशर डालिए और घुमाते जाइए। इस तरह से आपका जो लड्डू है वो अच्छे से बंध जाएगा। लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, आप इसे बना के देखिएगा और बताइएगा कि आपके कैसे लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।